दोस्तों, अगर आप लोग का कोई भी फोन हो और आप पासवर्ड भूल गए, पैटर्न है, फेस लॉक है, कोई भी है, अगर उसे तोड़ना चाहते हैं अपने फ़ोन का लॉक, तो आप कैसे तोड़ सकते हैं? इस वीडियो में मैं यही, इस फ़ोन में जो लॉक लगा है वह लॉक भूल गए हैं लेकिन हम उसे तोड़ना चाहते हैं, तो हम इसको कैसे तोड़ सकते हैं, इस वीडियो को पूरा देखिएगा। मैं आपको लाइव दिखाऊँगा कि आप अपने मोबाइल का पासवर्ड कैसे तोड़ सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, हमारा नाम मुन्ना है और आप सभी दोस्तों का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। अगर अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी को दबा करके ऑल पर क्लिक करें, जिससे मैं अगला वीडियो जब भी डालूँ तो हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलेगा और आप हमारे वीडियो को सबसे पहले देख पाएंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और इस फ़ोन का लॉक कैसे तोड़ना है आपको हम लाइव दिखाएंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप किसी भी मोबाइल का पासवर्ड भूल गए हैं और उसे तोड़ना चाहते हैं, तो हम आज आपको इस वीडियो में बताएंगे कि आप मोबाइल का पासवर्ड कैसे तोड़ सकते हैं। कोई भी पासवर्ड लगा हो, पैटर्न हो, लिखने वाला पासवर्ड हो, आपके फ़ोन में कोई भी A to Z पासवर्ड है, वह इस तरीके से आप तोड़ सकते हैं। चलिए, हमारा फ़ोन में यहाँ पे है, यहाँ पे देखिए कुछ इस तरह से आ रहा है, मतलब नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पे ये कुछ लिखा हुआ आ रहा है इस तरह से। इसके बाद हमें क्या करना फ्रेंड, चलिए हम वो बता देते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर जो ये पावर ऑन ऑफ बटन है, यहाँ पर देखिए ये वाला, तो हम सबसे पहले इस फ़ोन को स्विच ऑफ़ करते हैं। यहाँ दबाएंगे तो हमारे सामने स्विच ऑफ का ऑप्शन आएगा। इस तरह से पावर ऑफ कर लेना है, यहाँ पे इस बटन पर क्लिक करके सबसे पहले हम पावर ऑफ करते हैं। इस तरह से पूरा फ़ोन बंद हो जाने के बाद इसको चालू करना है। चालू कैसे करना है वो भी हम बताते हैं। यह पावर ऑफ बटन है और यह वॉल्यूम का बटन, मतलब आवाज़ बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, यहाँ पे हमारा फ़ोन स्विच ऑफ हो गया है, यहाँ पे देखिए जो ये पावर ऑफ का बटन है, इसके बाद आपको वॉल्यूम अप बटन दबाना है। इस तरह से ये बटन कब तक दबाए रखना है, जब तक इसमें कि लोगो ना आ जाए। इस तरह से दाब के रखना है, पावर खुलेगा मतलब वाइब्रेशन हुआ। इसके बाद देखिए रेडमी लिखा हुआ आ गया है, अब क्या करना है वो भी हम बताते हैं। यहाँ पे देखिए तीन ऑप्शन आ गया है, सबसे ऊपर लिखा है जो ब्लू लाइन में है, रिवॉर्ड लिखा गया है। इसके बाद सेकंड पे वाइव डाटा है, लास्ट में तीसरे नंबर पर कनेक्ट विथ AMI असिस्टेंट। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे बीच वाले पे लाना है, लेकिन इस कंडीशन में आपका फ़ोन में जो डिस्प्ले लगा है, यहाँ पे जो टच स्क्रीन है, यह काम नहीं करेगा। जैसे कि हम यहाँ पर दिखा रहे हैं, यहाँ पर काम नहीं कर रहा है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर जो अप डाउन का बटन है, इसी से आपको इस तरह से नीचे कर लेना है। इसके बाद फिर आपको क्या करना है, यहाँ पे जो पावर ऑफ बटन है, इसी से इसको ओके कर देना है। इसके बाद फिर क्या करना है, तो फ्रेंड्स, हमारा यह फ़ोन रिबूट होने के बाद इस तरह से ऑप्शन आ जाता है। मतलब रिबूट होने में 10-5 मिनट लग सकता है, थोड़ा समय लगता है। इसके बाद हमारा फ़ोन इस तरह से आ जाता है। इसके बाद यहाँ पे देखिए दो ही ऑप्शन दे रहा है, एक ये एरो है, एक यहाँ पे एरो है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे इस वाले एरो पर क्लिक कर देना है इस तरह से। इसके बाद देखिए क्या आ गया, यहाँ पे सबसे पहले लैंग्वेज चुनने के लिए आ गया है। यहाँ पर आप जो भी लैंग्वेज, जो भी भाषा सिलेक्ट करना चाहते हैं, आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। चलिए हम इंडिया का अपना भाषा देखते हैं कौन सा है। इंग्लिश यहाँ पर मिलेगा, इंग्लिश इंडिया लिखा गया है, यहाँ पे टिक लगा हुआ है, देखिए। इसके बाद हम यहाँ पे इस एरो पर क्लिक करते हैं एक बार, तो इसके बाद हमारे सामने इस तरह से आता है, यहाँ चूज योर रीजन, मतलब यहाँ पे आप किस कंट्री से हैं उसको आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा। यहाँ पे दुनिया भर के जितने कंट्री हैं सबका नाम दिया गया है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए हम इंडियन हैं, तो हमारे इंडिया के सामने ये ब्लू टिक लगा है। तो हमें अब क्या करना है, यहाँ इस ब्लू टिक पर क्लिक कर देना है इस तरह से। इसके बाद हमारा फ़ोन इस तरह से आ जाता है, इसमें टर्म्स और कंडीशन लिखा गया, इसको आप पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे देखिए जो लिखा गया है, मैं आपको दिखा देता हूँ क्या क्या लिखा गया है, आप वीडियो को स्किप करके आप इसे पढ़ भी सकते हैं। इसके बाद क्या करना है फ्रेंड्स, यहाँ पे ये जो गोला बना हुआ है, सर्कल बना हुआ है, यहाँ पर क्लिक कर देना है इस तरह से। इसके बाद फिर आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है इस एरो पर। इसके बाद यहाँ पर देखिए क्या लिखा आ रहा है, यहाँ पर मतलब हमें वाईफाई कनेक्ट करने के लिए आ रहा है। हमारा ये जो फ़ोन दूसरा फ़ोन है हवाई का है, YY9S, तो हमारा उसमें से लैपटॉप में कनेक्ट है वाईफाई, और इस फ़ोन में भी वाईफाई कनेक्ट करने के लिए बोल रहा है। चलिए हम वाईफाई को कनेक्ट कर लेते हैं। अगर आप वाईफाई या डाटा नहीं कनेक्ट करना चाहते तो आपको स्किप कर देना चाहिए। चलिए हम यहाँ पर ये जो वाईफाई हमारा उपलब्ध है फ़ोन का, इसको हम सेट कर लेते हैं। यहाँ पर हमारे फ़ोन का जो वाईफाई है
उसका जो पासवर्ड है उसको चलिए हम डाल लेते हैं यहाँ पे। अपना पासवर्ड डालने के बाद कंटिन्यू यहाँ पे क्लिक कर देना है। इसके बाद जो हमारा वाईफाई है वो देखिए यहाँ पे कनेक्ट हो गया फ़ोन से। और इसके बाद क्या करना है, यहाँ पे जो एरो दिखाई दे रहा है यहाँ पे इस तरह से क्लिक करना है। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे चेकिंग फॉर अपडेट्स लिखा गया है। यहाँ इस तरह से फ़ोन हमारा घूम रहा है और थोड़ा सा समय लेगा यहाँ पे। जब आपका फ़ोन इस तरह से घूम रहा हो तो आपको थोड़ा वेट कर लेना चाहिए और घबराना नहीं चाहिए कि हमारे फ़ोन में क्या हो गया है। बस एक आध दो मिनट में ये ठीक हो जाएगा और आपका फ़ोन नए जैसे हो जाएगा। चलिए हम यहाँ वीडियो में थोड़ा इंतज़ार कर लेते हैं और जब हमारा दूसरा कोई फंक्शन आता है यहाँ पे इसके बाद हम बताते हैं। आप देखिए फ्रेंड्स एक मिनट के अंदर में हमारे सामने इस तरह से ऑप्शन आ गया है, कॉपी पेस्ट एंड डाटा लिखा गया है। मतलब आप किसी दूसरे फ़ोन से अगर डाटा कॉपी करना चाहते हैं तो यहाँ पे कर सकते हैं। तो हमें दूसरे फ़ोन से कॉपी नहीं करना कोई डाटा, तो हमें यहाँ नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर देना है। यहाँ पे जो हमारा स्क्रीन आया ब्रिंग योर डाटा फॉर्म्स, यहाँ पे चलिए हम गूगल में यहाँ पे बैकअप अगर लेना चाहते हैं वो लिखा गया है। चलिए हम यहाँ पे करते हैं, यहाँ आईफोन भी यहाँ कॉपी पेस्ट के लिए लिखा गया है। तो हमें क्या करना, चलिए हम एक बार यहाँ पे गूगल पर क्लिक करते हैं। इसके बाद फिर चेकिंग करता है, फिर यहाँ पे आ जाता है इस तरह से। मतलब ये पासवर्ड आपको डालने के लिए आ रहा था, हम यहाँ पे फिर इसको नीचे वाले क्लिक करते हैं तो हमारे सामने फिर इस तरह से आ रहा है। देखते हैं क्या होता है। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी डालने के लिए आ गया है। तो यहाँ पे आपको एक ईमेल आईडी डालना है, जो आपका जो ईमेल अकाउंट बना है गूगल अकाउंट बनाए हैं उस ईमेल आईडी को आपको यहाँ पे डाल करके गूगल को वेरीफाई करना है। चलिए फ्रेंड्स हम यहाँ पे ईमेल आईडी डालते हैं, आपको भी ईमेल आईडी डाल लेना चाहिए। तो गाइस आपको अपना ईमेल आईडी डाल लेना है, जो आपका ईमेल आईडी है इस तरह से आप उसको डाल लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे पासवर्ड डालने के लिए आ गया है, चलिए हम पासवर्ड डाल लेते हैं। तो गाइस हम अपने पासवर्ड को डाल लिए हैं। इसके बाद फिर यहाँ पे नेक्स्ट करना है। इसके बाद फिर थोड़ा चेकिंग करेगा पासवर्ड को, इसके बाद इस तरह से आ जाएगा। इसके बाद फिर क्या करना है चलिए बताते हैं। यहाँ पे देखिए जो हमारा ईमेल आईडी यहाँ पे नीचे दो ऑप्शन दे देगा, ऐड रिवर्स अकाउंट यूज न्यू अकाउंट। मतलब यहाँ पे इस तरह से आया है, अगर आप नया अकाउंट यूज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। चलिए हम यहाँ ऐड रिवर्स अकाउंट पर क्लिक करते हैं। यहाँ पे देखिए हमारा जो ईमेल आईडी डाले हैं उसमें अगर जो हमारा डाटा है वो सेफ बचा रहा तो वह यहाँ पे गेटिंग मतलब प्राप्त कर रहा है, उस अकाउंट में जो डाटा है वो यहाँ पे सर्च करके सब प्राप्त कर रहा है। इसके बाद देखिए जस्ट ए सेकंड लिखा हुआ आ गया है। यहाँ पे देखिए हमारे इस ईमेल आईडी में कोई बैकअप नहीं था तो वो बताया नहीं, तो यहाँ पे हमें नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर देना है। तो फ्रेंड्स फिर इस तरह से एक सेकंड के लिए घूम रहा है। इसके बाद हमारे सामने से गूगल सर्विस इस तरह से आ गया है। यहाँ पे जो लिखा है आपको पढ़ लेना है। यहाँ पे देखिए आपको बता रहा है कि आपका ये जो ऑप्शन चालू है ये सब चालू रहना चाहिए, इसके बाद ही आप यहाँ पे कुछ कर सकते हैं। इसके बाद एक्सेप्ट पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, कंटिन्यू सेटअप। इसके बाद क्या करना है, यहाँ नीचे कंटिन्यू पर क्लिक करना है। फिर जस्ट सेकंड आ गया फ्रेंड्स, फिर थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। इसके बाद देखिए क्या लिखा हुआ आता है, यहाँ पे देखिए कुछ इस तरह से लिखा हुआ आ गया। फिर आपको यहाँ पे नीचे नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। यहाँ फिर आपको क्या करना है, यहाँ पे अगर स्किप करना चाहते हैं तो स्किप कर दीजिएगा। यहाँ पे अगर आप कुछ बोलते हैं और गूगल सुने, मतलब ये रिकॉर्डिंग के लिए बोल रहा है, चलिए हम इसको स्किप कर देते हैं यहाँ से। इसके बाद फिर हमारा फ़ोन इस तरह से आ गया है, गूगल पे आ गया है। यहाँ पे आपको थोड़ा पैसा देने की ज़रूरत है, लेकिन आप यहाँ पे ऐड कार्ड करेंगे तभी कर सकते हैं। यहाँ पे हमें कोई पैसा वैसा देने का ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे स्किप लिखा है, स्किप पर हमें क्लिक कर देना है। इसके बाद देखिए इस तरह से ऑप्शन आ गए हैं। इसके बाद क्या करना है हमें, यहाँ नो थैंक्स पर क्लिक कर देना है। यहाँ पे देखिए दूसरा हमारा ऑप्शन आ गया है, यहाँ पे लिखा हुआ है। इसके बाद क्या करना है, हमें दूसरा अकाउंट नहीं क्रिएट करना है, तो हम यहाँ पे स्किप पर क्लिक कर देते हैं। फिर यहाँ स्किप कर देते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पे दो ऑप्शन आ गया है, फिंगर यहाँ पे देखिए पासवर्ड सेट करने के लिए फिर आ गया है। अगर पासवर्ड लगाना चाहते हैं तो आप लगा सकते हैं। यहाँ पे देखिए फिंगर वाला आ गया है, और स्क्रीन लॉक होने के लिए अगर कोई भी आप यूज करना चाहते हैं
तो यूज कर सकते पासवर्ड। तो हम यहाँ पे इसको भी स्किप कर देते हैं। तो हमारे सामने इस तरह से आ गया, मतलब यहाँ पे भी कई ऑप्शन आ गया जो परमिशन मांग रहा है। तो आपको फिर यहाँ पे इस एरो पर क्लिक कर देना है इस तरह से। इसके बाद फिर इस तरह से आ जाता है, फिर क्या करना है हमें एग्री पर क्लिक कर देना है। इसके बाद देखिए ये थीम्स आ गया है, ये क्लासिक है, ये दूसरा थीम है। अगर जो भी थीम आप लगाना चाहते हैं आप यहाँ से क्लिक कर दें, मतलब चाहे इसे लगाना चाहते हैं तो यहाँ पे कर दें, अगर इसी को रखना चाहते हैं डिफ़ॉल्ट वाले क्लासिक को तो इस तरह से कर देना है। इसके बाद फिर इस एरो को आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद सेटअप कंप्लीट हो गया है। अब क्या करना है, फिर यहाँ पे क्लिक कर देना है। इसके बाद लोडिंग एप्स लिख रहा है। देखिए हमारे फ़ोन में कौन कौन से एप्स आते हैं वो भी हम आपको इस वीडियो में दिखाने वाले हैं। अगर अभी तक हमारे वीडियो को देख रहे हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, जिससे कि आपके दोस्त भी इस तरह से, अगर कोई फ़ोन है, अगर आपके दोस्त भी अपने फ़ोन का जो लॉक है वो भूल गए हैं तो इस तरह से आपके दोस्त भी अपने मोबाइल के पासवर्ड को खोल सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स हमारे फ़ोन में इस तरह से स्क्रीन आ गया है और यहाँ पे देखिए जो हमारा पुराना सब एप्लीकेशन था वह चला गया है। और यहाँ से देखिए हम कुछ भी कर सकते हैं, यहाँ पे आप गैलरी में यहाँ से आप प्ले स्टोर में भी जा सकते हैं और प्ले स्टोर में जा करके आप किसी भी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा। यहाँ पे देखिए खुल गया है यहाँ पे प्ले स्टोर, यहाँ पे जो भी एप्लीकेशन आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं और इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर करें। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों को बहुत बहुत धन्यवाद।